एपिसोड 209, हीना अपीयर्ड। एप किंग का चेहरा पीला पड़ गया था और जब वो हीना के सफेद कंधे पर हाथ रखता है तो कठोर हो जाता है। फिर चिंतित होकर बोलता है, वो निया को पसंद करता है, आदमियों का दिल इतनी आसानी से नहीं बदलता है। हीना का चेहरा एकदम बदल जाता है और वो एप किंग को पीछे ढकेल देती है। फिर वो गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें मेरी खूबसूरती पर भरोसा नहीं है? एप किंग अपने होंठ मुंह में दबाकर परेशानी से बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे आगे से कोई भी खुद को नहीं बचा सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने किसी को नहीं आने देता हूँ। हीना का चेहरा अब थोड़ा ठीक होता है। वो कॉन्फिडेंस से बोलती है, अगर मैं किसी भी आदमी को पसंद करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे पास ना आए, बस सिर्फ एक उस आदमी को जिसे वो भूल चुकी थी। किसी कारण से वो अपना बहुत साल पुराना अतीत याद करती है। अब हीना का एप किंग से बात करने का मूड नहीं था, फिर वो उसकी तरफ पीट करके सो जाती है। अगली सुबह एक लड़की गुलाबी ड्रेस पहनती है और सभी को अट्रैक्ट करती है। वो कपड़ा ऐसा था कि उस पशुनगर में पहले किसी ने नहीं देखा था। वो थोड़ा पारदर्शी लग रहा था, लेकिन वो इतना था नहीं। वो सूर्य की चमक में निया से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसका आधा चेहरा नीले कपड़े से ढका होने के बाद भी उसकी आंखें इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई भी उसे नजर नहीं हटा सकता था। दूर खड़े पशु मानवों को लगता है कि वो निया है। इतनी सफेद स्किन निया की ही थी, सिर्फ जो उसके पास थे वही उनमें अंतर कर पा रहे थे। निया की बड़ी आंखों के कोने सूख गए थे, अब वो और भी सुंदर लग रही थी। वहीं इस लड़की की आंखें इतनी बड़ी नहीं थी, उसकी भी दोनों आंखें नीली और सुंदर लग रही थी। जब वो किसी की ओर देखती तो ऐसा लगता जैसे वो उसकी आत्मा को छू रही हो। ऐसा लगता है कि वो दो अलग आंखों के जोड़े थे जो जादुई शक्ति के साथ ही पैदा हुए थे। किले के सैनिक बोलते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम पशुनगर में नई आई हो? वो गार्ड्स भी उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए थे, फिर भी वो उसे रोक देते हैं। वो बोलती है, मैं एप किंग की साथी हूँ हीना, वैसे मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। उसकी आवाज ठंडे समुद्र के पानी की तरह थी जो किसी के दिल में भी छेद कर दे। अगर उन लोगों की साथी नहीं होती तो वो लोग इतनी सुंदर लड़की से बात करने का मौका पाकर बेहोश हो जाते। हीना धीमी आवाज में ही बोलना चालू रखती है, अभी हाल ही में मैं एप किंग और निया के साथी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उन्हीं की सुलह करवाने आई हूँ। दोनों सैनिक एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनमें से एक दौड़कर अंदर करणवीर को बताने जाता है। पशु मानवों के किंग हर किसी लड़की की बात सुनते हैं। जब करणवीर को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। करणवीर को आता देख कर निया अपना सर ऊपर करती है और अपनी चमकती हुई नीली आंखों से उसे देखती है। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे ये आंखें बस उसी के लिए हैं। उसकी नजर लुभावनी और प्यार से भरी हुई थी। करणवीर एक क्षण के लिए बह जाता है और फिर अपनी आंखें हटाकर कड़क आवाज में बोलता है, अंदर आ जाओ, बाहर सूर्य बहुत तेज है। हीना अपने छोटे और सुंदर पैरों को इज्जत से अंदर रखती है। जब वो चलती है तो उसके पैरों में से आवाज आती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, एप किंग के साथ तुम्हारा जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, तुम मुझे माफ कर दो। करणवीर जब उसकी आवाज सुनता है तो वो मुग्ध हो जाता है। वो बस हम करके जवाब देता है और फिर उसकी तरफ पलट कर देखता है। वो आगे बोलती है, वो इसीलिए जल रहा था क्योंकि उसने मुझे एक फंक्शन में तुम्हें घूरते हुए देख लिया था। करणवीर रुक जाता है, वो फिर उसे देखने लगता है। हीना बोलती है, तुम मुझे पसंद हो। इतना बोलकर वो अपना सर नीचे करके करणवीर के जवाब का इंतजार करती है। जब वो निया को नहीं जानता था तब वो इतनी सुंदर लड़की का सपना देखता था। उसके बाद जब उसका लक्ष्य बन गया तो फिर उसकी ये इच्छा दिल के नीचे दब गई थी। अगर कुछ घटनाएं नहीं घटती तो वो अपनी शिक्षा को भूल ही गया होता। वैसे अब अचानक ये सपना उसे याद आ गया था। अब करणवीर का दिल पछतावे से भर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं बचा है। करणवीर धीरे से बोलता है, थैंक यू, और वो फिर आगे चलने लगता है। वो बहुत थैंकफुल था कि वो उससे पहले निया से मिल गया था, नहीं तो अगर उसे पहले ये खूबसूरती मिल जाती जिसे वो चाहता है लेकिन वो उसे नहीं मिल सकती तो वो अपना दिल उसे बिना सोचे दे बैठता। फिर जब वो बाद में निया को मिलता तो उसे बहुत पछतावा होता। करणवीर का दिल बहुत धीरे से धड़कता है, उसे पहले से ही शांति का अनुभव हो रहा था। भविष्य में वो सिर्फ अपनी सुंदर साथी को ही देखेगा। हीना अपने चेहरे पर से नीला कपड़ा हटा देती है, फिर वो अपना छोटा और सुंदर सा चेहरा दिखाती है। उसके जितनी सुंदर पशुनगर में कोई और लड़की नहीं थी। वो शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। फिर जब उसे काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता
तो वो धीरे से अपना चेहरा ऊपर करके देखती है। उसे दिखाई देता है कि सामने से करणवीर लंबे कदमों के साथ आ रहा था। हिना को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसने उसे पलटकर देखा था कि नहीं। करणवीर बोलता है, निया अभी ही उठी है, तुम मेन हॉल में बैठो, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। हिना करणवीर के रिएक्शन से संतुष्ट थी। शायद पशुनगर की दूसरी लड़कियों की सुंदरता पर उसके विचार अलग थे, लेकिन सच में करणवीर से लगाव था। वो काफी समय से उसे देख रही थी। उसे पता था कि उसका चेहरा गुस्से वाला है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। ये शायद उसके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अंदर से काफी उत्तेजित था। पहले तो वो चलना भी भूल गया था। ये वो चीज थी जो शायद शिल्पा, जिसे वो बचपन से देखता था, वो भी नहीं कर पाई थी। निया कुल्ला करते हुए बोलती है, एप किंग के साथ ही मुझसे मिलने आई है। फिर वो अपने दांतों को साफ करते हुए शक की नजरों से बोलती है, अब वो क्या चाहता है। करणवीर बोलता है, तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए, आखिरकार वो एक औरत है, और अगर एप किंग मारा भी जाता है तो उसे तो पशुनगर में ही रहना है। जब निया पहली बार हिना को देखती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, जैसे एक गांव की लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी हो। वाह, ये कितनी सुंदर है, इसके तो बाल भी नीले हैं। निया ने लाल बालों वाली लोमड़ी प्रजाति की लड़कियों को देख रखा था, पीले बाल वाली तेंदुओं की लड़कियों को भी देख रखा था। ये पहली बार था जब उसने किसी नीले बालों वाली लड़की को देखा था। ये किस प्रजाति की है? क्या नीले बालों वाला कोई पशु मानव है, मोर? निया को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ इतनी गंदी लड़कियों को देखा था कि अब उसकी इनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन उसे लगा ये लड़की सुंदर है। उसे लग रहा था कि ये लड़की तेज और मीन है। फिर जब वो सोचती है कि ये एप किंग के साथी है, तो निया को लगता है कि उसके दिल में मेमनों का झुंड दौड़ रहा है। ये तो सच में वही हुआ कि एक सुंदर लड़की को एक बदसूरत आदमी मिल गया हो। जब निया अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तब हिना भी उसे बारीकी से देख रही थी। निया की तरह वो भी तुलना ही कर रही थी। हिना बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में उससे भी खूबसूरत कोई लड़की हो सकती है। इसीलिए जब उसने सुना था कि गांव में कोई खूबसूरत लड़की आई है, तो वो उसे देखने तक भी नहीं गई। आज जब उसने निया को देखा, तो उसे पता चला कि वो इस दुनिया की लड़कियों से अलग है। एक पल के लिए उसके एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं। जब निया उसे शक की नजरों से देखती है, तो हिना उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन सही कर लेती है। वो अपने मुंह पर से नीला कपड़ा अलग कर लेती है और अपना बर्फ जैसा सफेद चेहरा दिखा देती है। पशुनगर की लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं, ये उनसे अलग ही कपड़े पहनती है। उसके ट्यूब टॉप और बाकी चीजें सिल्क की बनी हुई लग रही थी। फिर वो करणवीर की तरफ देखती है, तो उसे पता चलता है कि वो हमेशा ही सिर्फ निया को देखता है। वो तभी पता चला जब उसने करणवीर की तरफ देखा और उसने भी निया की तरफ देखा। हिना का दिल डूबने लगता है और वो अब खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसका विरोधी उसके ही समान होता। उसे फायदा मिल रहा था कि वो पहला मूव कर चुका था। अब हिना के लिए करणवीर को चीनना बहुत मुश्किल हो गया था। निया उसके नीले कपड़े की वजह से ध्यान भटक गई थी। वो उसे देखकर बोलती है, हेलो, मेरा नाम निया है, तुम मुझे ढूंढ रही थी? हिना फिर एक बार निया की तरफ देखती है। निया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसके सामने वाली लड़की ने अपना चेस्ट थोड़ा उठाया हुआ है और वो थोड़ी अहंकारी भी लग रही थी। ये तो आम बात है कि जब एक लड़की को अपने विरोधी को देखकर थोड़ा दबाव महसूस होता है, लेकिन निया अभी अलग नहीं दिखती थी, इसीलिए उसको ये सब पता नहीं था। उसे पता नहीं चल रहा था कि हिना उसके साथ प्रतियोगिता कर रही है। हिना थोड़े अहंकार से बोलती है, मैं एप किंग के साथ ही हूँ, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या तुम उन्हें माफ कर दोगी? लेकिन फिर भी उसके शब्द कमजोर लग रहे थे। निया मुस्कुराकर बोलती है, अगर वो कुणाल को वापस ला देंगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। हिना बोलती है, तुम ऐसी चीज बोल रही हो जो मुमकिन नहीं है। निया को समझ में आ जाता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही तेज है। फिर उसे याद आता है कि करणवीर ने उसे बताया था कि कैसे ये लड़की इस पशुनगर में ही रहेगी, इसलिए वो इन लोगों से रिश्ता खराब नहीं करना चाहती है। वो अपने होठों को दबाती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है। उधर से आवाज आती है, कितना शोर है। ये आवाज नागाल की थी। निया तुरंत ही नागाल की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही हिना के पास से गुजरती है, तो वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। करणवीर बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? फिर वो जोर से हिना का पतला हाथ पकड़ लेता है। हिना दर्द से चिल्लाती है, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। निया भी हिना को देखने के लिए पलटती है। करणवीर बोलता है, मुझे तो तुम्हारे कंधे पर बालों का गुच्छा दिख रहा था, बस वही ठीक कर रहा था।
निया अपना मुंह बनाती है जैसे उसे बहुत दर्द मिल रहा हो। उसने अपने हाथों में भूरे बाल पकड़ रखे थे। निया को पता था कि आदमी कितने ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो करणवीर को बोलती है, जल्दी से उसे छोड़ दो। करणवीर हिना को छोड़ने के पहले उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता है। हिना अपनी कलाई पकड़ती है जो अब लाल हो चुकी थी। उसका दिल डूब रहा था। ये एक और कठोर आदमी है, ऐसा आदमी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसे कब से आदमियों की कमी होने लगी है। तभी अपनी पूंछ हिलाता हुआ नागाल मेन रूम में आता है। अचानक हिना को लगता है कि उसे कोई जंगली पशु मानव घूर रहा है। उसकी बॉडी का सारा खून जम जाता है। अगर उसके शरीर पर कोई बाल होते तो अभी तक वो सारे खड़े हो चुके होते। हिना ऊपर देखती है और उसकी बॉडी और भी कड़क हो जाती है। वो हक्की बक्की हो जाती है। भगवान, ये तो नागाल है। निया का हाथ पकड़कर खींचने से पहले वो हिना को देखता है, फिर निया को अपनी तरफ खींच लेता है। नागाल बोलता है, तुम अभी भी नहीं जा रही हो। नागाल ऊपर नहीं देख रहा था, लेकिन हिना को पता था कि वो उसी से बात कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी एकदम से पिघल गई हो। वो अपना नीला कपड़ा ले लेती है और वहां से जाने के लिए पलटती है। ऐसा लग रहा था कि वो हार कर जा रही है। निया हिना को पीछे से देखती है। उसके जाने के बाद निया बोलती है, वो तुमसे सच में डर गई थी। नागाल बोलता है, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेफोक लड़कियां कैसी होती हैं? ये उनमें से एक है। ये सुनकर निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अगर हिना प्रसिद्ध मरमेड होती तो उसका थोड़ा मोह भंग हो जाता। वैसे तो निया सुंदर लड़की थी, लेकिन फिर भी वो लुभावनी नहीं लगती थी। आखिर में कोई भी आदमी उसे खोना नहीं चाहता था। अगर नागाल एक औरत होता तो वो भी उससे सुंदर होता। वो सोच रही थी कि मेफोल प्रजाति के आदमी कैसे दिखाई देते हैं। अगर उनकी लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं, तो आदमी कितने सुंदर होते होंगे। निया पूछती है, तो तुम उसे पहले से जानते हो, तो फिर तुमने उसे अपना साथी क्यों नहीं बनाया? उसका गॉसिप करने का मन कर रहा था, लेकिन वो डर भी रही थी। नागाल को देखकर हिना इतना डर गई थी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि नागाल ने पहले उसे परेशान किया था। नागाल की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो बोलता है, मुझे वो पसंद नहीं है। निया नाराजगी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे नागाल पर पूरा भरोसा था और वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। वो हिना को पसंद नहीं करती थी। निया अपने अंदर की खुशी को रोक नहीं पा रही थी और वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। नागाल गुस्से में निया को देखता है। उसके दिल का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता जाता है।